हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, अपनी परंपराओं को मानने का, अपने सांस्कृतिक परंपराओं को मानने का अधिकार प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय तक वही हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। हमेशा से अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिनों पहले भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम को नहीं मानता हूं क्योंकि वो काल्पनिक हैं। जिसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो जारी था। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर जब हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार से बात की तो उन्होंने इशारों ही इशारों में जीतन राम मांझी को लेकर बहुत कुछ कह दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले आप वो सुने। अब उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2000 से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः 2002 में, विभिन्न उच्च न्यायालय ने देश की जो परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं, उस संबंध में न्यायिक आदेश दिया है और उस न्यायिक आदेश में विभिन्न मानकों को उन्होंने दृष्टिगत रखा है। इसलिए स्वाभाविक है न्यायपालिका ने ऐसे सवाल पर, जो धार्मिक स्वतंत्रता है देश के अंदर में, हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का, अपनी परंपराओं को मानने का, अपने सांस्कृतिक परंपराओं को मानने का अधिकार प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में हम यह समझते हैं कि जो संविधान के तहत शुदा प्रावधान है और विभिन्न न्यायिक आदेश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय तक, वही हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ। तो आपने साफ तौर पे सुना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ही यह अधिकार दिया है सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को कि वो किसी को भी मान सकते हैं, तो ऐसे में भगवान राम को लेकर किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बीते दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी जमुई के सिकंदरा पहुंचे थे और उस वक्त उन्होंने भाषण के दौरान ही यह कहा था कि मैं भगवान राम को नहीं मानता हूँ, भगवान राम जो है वो काल्पनिक है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने यह भी मांग की थी कि देश में हर तरह के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि देश की एकता अखंडता कहीं ना कहीं धार्मिक जुलूसों से टूट रही है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की थी, जिसका जवाब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया और साथ ही साथ सभी धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, तो ऐसे में देखना होगा कि अब जीतन राम मांझी की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।